दोस्तों कैसे हैं आप? लगता है हमेशा की तरह आप बिल्कुल कुशल मंगली होंगे। वैसे जब बर्ड्स की बात आ जाती है तो ऐसा लगता है ना कि ये बर्ड्स बहुत ही संस्कारी, सीधी और सुशील होती होंगी। लेकिन आज हम आपकी इसी सोच को बदल कर रख देंगे, क्योंकि कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये कहावत आज यहाँ भी सच होने वाली है, क्योंकि ये बर्ड्स जो इतनी मासूम दिखती है ना, असल में ये उतनी ही खतरनाक और खूंखार होती है। और भाई, इनके खौफनाक हमलों से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि जब ये अपने शिकार पर हमला करती है ना, तो बस शिकार का तो खेल खलासी हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर ये कहर जैसी बर्ड्स कौन सी हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। देखते हैं पहले खिलाड़ी के हमले को। आखिर ये खिलाड़ी है कौन? इस बेदर्द शिकारी का नाम है गोल्डन ईगल। देखने में तो ये ईगल भाई साहब बहुत ही सुंदर होते हैं, क्योंकि इनके गोल्डन पंख इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन इनके हमले से जानवर का तो क्या, इंसान का भी बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भाई साहब आसमान में लगभग 8 फीट ऊंचा उड़कर भी अपने शिकार को दबोच सकते हैं। और इन भाई साहब के ये तलवार से तेज नाखून शिकार की तो बिल्कुल चीर फाड़ कर देते हैं। और ये अपने इन नुकीले पंजों से करीब करीब 750 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक का शिकार कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इनका हमला शेर राजा के हमले से भी खतरनाक होता है? ईगल भाई साहब इतने खतरनाक होते हैं कि ये हवा में उड़ते उड़ते शिकार पर हमला कर देते हैं, अपना हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने तक ही जहमत नहीं उठाई। तो भाई लोग, जहां भी इस खौफनाक शिकारी को देखो, अपना रास्ता बदल लो, वरना ये आपका टिकट सीधा ऊपर ही कटवा देंगे। समझ गए ना? द ग्रिपिंग बोल्ड ईगल। दोस्तों अब देखते हैं एक हैंडसम कातल। ये ईगल सच में बहुत ही हैंडसम होता है, कि अगर इन भाई साहब को समुद्र में मछलियां नहीं मिलती तो ये निराश नहीं होते, बल्कि ये सीधा छक्का ही मार देते हैं और ये उड़ते उड़ते अपने शिकार को धार दबोचते हैं। इन भाई साहब के लिए शिकार को पकड़ना जैसे बच्चों का खेल है, क्योंकि इनके पंख लगभग 7.7 फीट के होते हैं और इनकी आंखें तो इतनी तेज होती हैं कि चांद पर भी आराम से देख लें। फिर शिकार क्या चीज है? अपनी इन्हीं शातिर अंदाज की वजह से बड़े शिकार को मिनटों पहले अपनी बाहों में ले लेते हैं। और इन भाई साहब की चोंच तो इतनी शार्प होती है कि ये अपने शिकार का चीर हरण तो कुछ ही मिनटों में कर देते हैं, है ना कातिलाना मूव्स। बार्न आउल। ये मैडम चेहरे से जितनी मासूम और भोली दिखती है ना, जब आप इन मैडम के कारनामे देखेंगे ना, तो आप भी दंग रह जाएंगे। वैसे आप इनके दिल वाले चेहरे पर ना जाएं, क्योंकि दिल असल में इनके पास नहीं है। इस वजह से ये अपने शिकार पर जरा सा भी रहम नहीं खाती। और ये मैडम इतनी चालाक है, ये अपने शिकार को रात के सुनसान पहर में दबोच लेती हैं। ये मैडम पहले तो अच्छी अच्छी तरह से अपने शिकार को ढूंढती हैं और फिर ऊपर से ही उन पर नजर रखती हैं। और जब शिकार पूरी तरह से काबू हो जाता है, फिर उस पर खतरनाक हमला कर देती हैं। और ये मैडम इतनी रहती हैं कि एक रात में ही शिकार करती हैं और दूसरा इन्हें शिकार को फाड़ने चीरने का वक्त नहीं मिलता, और ये शिकार को जिंदा पूरा निगल जाती हैं। और कम से कम ये रात में 3 से 4 शिकार के विकेट आउट कर देती हैं, लेकिन कभी कभी मौसम के चक्कर में थोड़ा आलस कर जाती हैं और बिना शिकार किए सो जाती हैं। व्हाट अ लेजी बर्ड। हुवरिंग ऑस्प्रे। ये शिकारी इतना खतरनाक होता है कि ये नजर हटते ही शिकार का काम खत्म कर देता है। क्या आप जानते हैं कि ये बेहतरीन स्विमर भी है, क्योंकि ऊपर से ही समुद्र के अंदर पहले तो अपने शिकार पर गलत नजर रखता है और फिर मौका मिलते ही समुद्र के अंदर घुसकर उसे हवा में अपने साथ लेकर उड़ जाता है। चाहे ये कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन ये अपने शिकार को हाथ से जाने का मौका नहीं देता और उस पर खतरनाक हमला कर देता है। ग्रेट टेल्ड हॉक। क्या आप जानते हैं, इस बेरहम शिकारी की नजर इंसान से 8 गुना तेज होती है, इसलिए ये चाहे चांद पर ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शिकार पर आराम से नजर रख सकता है, चाहे शिकार खुले मैदान में हो या फिर एक गुमनाम जंगल में। ये अपने शिकार को आसानी से ही पकड़ लेता है। इन महाराज की चोंच की तो क्या ही बात करें, इन भाई साहब के अंदर तो जैसे टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। एक तो इनके सुंदर पंख और दूसरी इनकी ब्लेड से पैनी चोंच और तीसरा इनका शातिर दिमाग। इन्हीं खूबियों की वजह से ये एक अच्छे शिकारी माने जाते हैं। और ये इतने समझदार होते हैं कि ये भाई साहब अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेते। अगर शिकार को पकड़ भी लेते हैं ना, तो ये उसे अपनी चोंच की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, जिससे कहीं कोई शिकार इनके गले में ना फंस जाए और इनकी मौत का कारण ना बन जाए, है ना समझदार। लैमर्गियर डिवोर्स बोन मैरो। ये भाई साहब लगभग गोल्डन ईगल की तरह ही शिकार करते हैं। लगता है ये दोनों जुड़वा भाई हैं। वैसे ये शिकारी बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर होता है,
क्योंकि इसके अंदाज इसे दूसरे शिकारियों से बिल्कुल अलग करते हैं और इसलिए ये शिकार दूसरे शिकार का पूर्वज भी माना जाता है। और ये अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है जैसे किसी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, क्योंकि इसके हाथ पैर शिकार को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई मैग्नेट किसी लोहे को अपनी ओर खींचती है। और ये शिकारी भी दूसरे शिकारियों की तरह अपने शिकार पर तेज नजर गड़ाए रखता है और मौका मिलते ही उस पर धावा बोल देता है। बेचारे शिकार की क्या मजाल कि इन महाराज के कब्जे में ना आए। और शिकार तो जैसे इन्हें देखते ही देखते अपने आप को इनके हवाले कर देता है ना भाई लोग। खतरनाक शिकारी नंबर 7 हॉर्न्ड आउल। ये आउल भाई साहब ना तो देखने में मासूम लगते हैं और ना ही इनकी हरकतें मासूमों वाली है, बल्कि ये कैसे शिकारी हैं जो शिकार भी करते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने देते। ये एकदम साइलेंट शिकारी है। इन आउल भाई साहब के ओर खतरनाक हमले देखने से पहले ये भाई साहब थोड़े अलग किस्म के शिकारी हैं। ये दिन में काम करने की बजाय रात में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये रात के सन्नाटे में ही दो चार शिकार को अपना डिनर बना ही लेते हैं। वैसे तो रात में चूहे महाराज अपने डिनर के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन चूहे महाराज को क्या पता होता है कि वो डिनर करने की बजाय खुद को किसी का डिनर बना देंगे। और जालिम शिकारी मौका मिलते ही चौका मार देता है और चूहे महाराज को धार दबोचता है। इन आउल भाई साहब की गर्दन अपने शिकार को ढूंढने के लिए करीब 170 डिग्री तक घूम जाती है और जैसे ही शिकार पर नजर पड़ती है ये चुपचाप उसके पास पहुंच जाता है। और बेचारे शिकार को तो कुछ अता पता ही नहीं रहता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और ये आउल भाई साहब उस पर साइलेंट हमला कर देते हैं और शिकार भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हवा में कौन सा झोंका था, और मिनटों से पहले डिनर का सफाया कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इन जाबाज और साथ ही बेरहम शिकारियों के शिकार ने आपको कितना चौंकाया और कौन सा हमला सबसे ज्यादा खतरनाक था, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्या आप भी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना पड़ेगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।